बरेली में तौकीर राजा ने सरकार को धमकी दी तो योगी के मंत्री ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मुस्लिम धर्मगुरु और कांग्रेस नेता तौकीर राजा के विवादित बयान पर यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कानपुर पहुंचे नंदी ने कहा कि अगर किसी ने ये बयान दिया है तो उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि उसके साथ पूछते याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे करने की किसी की हिम्मत नहीं है। आपको बता दें कि तौकीर राजा ने कहा था कि मुसलमान अगर सड़क पर उतर गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मौलाना तौकीर ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभारत के धृत राष्ट्र हैं। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। मीडिया से बात करते हुए मौलाना तौकीर राजा ने कहा था कि देश बंटवारे की ओर जा रहा है, 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा जिसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। आपको बता दें कि तौकीर राजा के बयान के बाद से देश में बवाल छिड़ा हुआ है और सियासत का बाजार गर्म है।